एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है ये वायरस। भीड़भाड़ वाली जगहों पर ये फैल सकता है और हम आपको बता दें कि हवा में 1 मीटर तक ये फैल सकता है, संक्रमण इसका फैल सकता है 1 मीटर तक। संक्रमित सतह को छूने से भी फैल सकता है ये वायरस। और इसके सिम्टम्स जो हैं, लक्षण जो है वो है नाक बहना, इसके अलावा तेज बुखार भी इसका एक मुख्य लक्षण बताया जा रहा है। शुरुआत में गीली और फिर लंबे समय तक सूखी खांसी भी हो सकती है। गले में खराश होना, ये भी इसी वायरस के लक्षण बताए जा रहे हैं। और चेस्ट कंजेशन इसका एक और मुख्य लक्षण बताया जा रहा है। सर दर्द होना, ये भी H3N2 वायरस के लक्षण बताए जा रहे हैं। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, थकावट होना, ये तमाम लक्षण हैं। और इससे बचाव कैसे करना है वो भी आप देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर। मास्क पहने और भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। बार बार अपनी आंखों और नाक को छूने से बचें। इसके अलावा खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढककर रखें। बुखार या बदन दर्द होने पर पैरासिटामोल ले सकते हैं। और बचाव कैसे करना है ये आपने देखा। आप सावधानी कैसे बरतनी है ये देखिए। हाथ मिलाने और किसी भी तरह की किसी को छूने से बचें। सार्वजनिक जगहों पर थूकने से बचें। डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक या कोई भी दवाई ना लें। आसपास या नजदीक बैठकर खाना ना खाएं। और इस संक्रमण से किसे ज्यादा खतरा हो सकता है ये भी आप देखिए। गर्भवती महिलाओं को इससे ज्यादा बचने की जरूरत है क्योंकि खतरा ज्यादा होता है, इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है उस समय। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी इससे बचने की जरूरत है। बुजुर्ग उनको भी इससे ज्यादा खतरा है। किसी बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को भी इससे खतरा है।